हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली स्पेशल खस्ता सूजी की मटरी की रेसिपी। मैदा की मटरी तो आपने बहुत खाई होगी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 कप सूजी। आपके पास मोटी या बारीक जो भी सूजी है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। और इसे मिक्सर में फाइन ग्राइंड करना है, एकदम पाउडर बनाना है इसका। अब इसमें डालना है 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन जिसे क्रश करके डालेंगे, और 1 टीस्पून डालनी है काली मिर्च दरदरी कुटी हुई। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें डालना है मोयन। मैंने 1/2 कप ऑयल लिया था, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था, इसे मोयन डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे इस तरह से बाइंड करके देखिएगा, ये एकदम शेप होल्ड कर रहा है, तो इसका मतलब आपका मोइन परफेक्ट है। अगर ये शेप नहीं बन रही है तो आप इसमें मोइन और ऐड कर सकते हैं। अब इसके लिए मैंने आटा लगाने के लिए गुनगुना पानी यूज़ किया है, क्योंकि सूजी है वो सूजी फूलती है, इसलिए गुनगुने पानी का यूज़ कीजिए और आटा एकदम सॉफ्ट लगाइएगा। जैसे आप सॉफ्ट लगाएंगे तो बाद में सूजी पानी अब्सॉर्ब करके हार्ड हो जाएगा इसका आटा। देखिए कितना सॉफ्ट आटा है। अब इसे कवर करके कम से कम 1/2 घंटे के लिए रखना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटे भी रख सकते हैं। अब इसके लिए बनाना है एक मसाला। इसमें मैंने लिया है 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ी सी डालनी कसूरी मेथी, थोड़ा सा पुदीना पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब आटे को देखिए, आटा अच्छे से सेट हो गया है, टाइट हो गया है। इसके 2 बड़े बड़े पोर्शंस लेने हैं मैंने। एक बड़ी लोई ली है और इसे बेला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं और बहुत ही ज़्यादा पतला भी नहीं, इस तरह का बेलना है और इसे इस तरह से कट करना है। साइड में हमारा ऑयल भी गर्म हो रहा था, मैंने एक मटरी डालकर देखा था, एकदम ठीक था टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, तेल मीडियम हॉट ऑयल होना चाहिए, इससे मटरी धीरे धीरे अंदर तक सिकेगी। अगर आप तेज़ गर्म ऑयल में डालेंगे तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो टर्न करते हुए गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। देखिए मटरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब जो हमने मसाला बनाया था वो मसाला इसके ऊपर डालना है, गर्म गर्म मटरी के ऊपर ही आपको डालना है, जिससे कि मसाला अच्छे से चिपक जाएगा इसमें, ठंडा होने के बाद नहीं चिपकेगा। मैंने टेस्ट करके देखा था तो मुझे थोड़ा सा अमचूर पाउडर कम लग रहा था, मैंने और ऐड किया था, आप टेस्ट करके देखिएगा। देखिए आपकी सूजी की खस्ता मसाला मटरी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे इस दिवाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है, थोड़ी सी यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर मिलूंगी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।